उल्हासनगर क्रमांक 4 श्रीराम चौक येथे भीमसेनेच्या वतीने महाराष्ट्रात अनुसूचित जाती जमातीच्या नागरिकांवर होत असलेले भ्याड हल्ले व अत्याचाराचा निषेध करून महाराष्ट्रात सीता बनसोडे, भुजंग कांबळे व उल्हासनगरमधील संदीप गायकवाड यांच्यावर झालेल्या हल्ल्याचा निषेध करण्यात आला असे असून पोलीस प्रशासनाने निपक्षपाती चौकशी करावी, तसेच योग्य न्याय न मिळाल्यास मुख्यमंत्री यांना खेरावही भीमसेनेच्या वतीने घालणार असल्याचे महाराष्ट्र भीमसेनेच्या अध्यक्ष निकिता राव यांनी यावेळी सांगितले. की अनुसूचित जाती जनजाति के जितने भी लोग हैं उन पर आज भी स्थिति बदली नहीं है, आज भी अत्याचार हो रहे हैं, उनके साथ मारपीट हो रही है, इस पर रोक लगनी चाहिए, यही मेरी मांग है. रोक अभी तक लगी नहीं है. अभी देखने में आया संदीप गायकवाड़, सीता बनसोड़ और भुजंग कांबळे, इन जैसे अनुसूचित जाति के लोगों पर अत्याचार आज भी हो रहे हैं. मैं चाहती हूँ कि पुलिस प्रशासन निष्पक्ष कार्रवाई कर किसी भी ओहदे के या किसी भी जाति के व्यक्तियों जो आरोपी हैं उनको तत्काल गिरफ्तार करें और निष्पक्ष उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए. हमने इसके पहले भी 2 अर्जी की है विठलवाड़ी पुलिस स्टेशन में, गृह मंत्री अनिल देशमुख साहब के पास में, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे साहब के पास में. अब हमारी आगे की रणनीति ये होगी कि यहाँ अगर हमें न्याय की भूमिका नहीं देती है पुलिस प्रशासन तो हम गृह मंत्रालय जाएंगे, मंत्री जी से निवेदन करेंगे. इसके बाद भी अगर हमें न्याय नहीं मिलता है इसके बाद हम मुख्यमंत्री कार्यालय, माननीय उद्धव ठाकरे साहब, मातोश्री कार्यालय का घेराव करने की भूमिका अपनाएंगे कि अनुसूचित जाति के जितने भी व्यक्तियों पर अत्याचार हुआ है, उनके साथ मारहाण हुई है, उनके आरोपियों को निष्पक्ष किसी भी जाति के किसी भी ओहदे के हो तत्काल गिरफ्तार कर उन पर कार्रवाई होनी चाहिए. आधार न्यूज प्रतिनिधि रमेश कांबळे, उल्हासनगर.